प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्स्यूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। ये सरकार थोड़ी है, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अरे घोटाला इस वजह सरकार ने कुछ किया ही नहीं। सरकार ने जिस तरीके से 40,000 को लिए नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। गीता जयंती समारोह के करीब करीब आयोजन के वक्त से मनोहर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। अभी नैलू की ओर से आरटीआई लगाई गई और सरकार पर फिजूल खर्ची के आरोप लगाए गए। सरकार थोड़ा ही है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अरे घोटाला इस वजह सरकार ने कुछ किया ही नहीं। सरकार ने जिस तरीके से 40,000 को लिए गीता देश के स्पष्ट तौर पर तो सरकार गाय गंगा और गीता के नाम पर सियासत करती है, ये आरोप विपक्ष सरकार पर लगाता रहा। लेकिन इस बार तो गीता खरीदने को लेकर भी सरकार निशाने पर है। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर वार किया है। बाकायदा आंकड़ों के साथ सरकार से सवाल पूछे गए। साथ ही हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया कि डंके की चोट पर खर्च करते रहेंगे। बड़ी बात में इसी खर्च और खर्च पर घिरती सरकार पर चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देखें। हरियाणा में श्रीमद् भगवत गीता को लेकर घमासान एक बार फिर शुरू हो गया। हरियाणा के इनेलो पार्टी के सांसद दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर श्रीमद् भगवत गीता के नाम से घोटाला करने का आरोप लगाया है। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने एक आरटीआई के जरिए खुलासा किया कि गीता महोत्सव में प्रदेश सरकार ने करीब 4,00,000 रुपए की 10 श्रीमद् भगवत गीता खरीदी। सांसद दुष्यंत चौटाला के अनुसार प्रदेश सरकार ने एक श्रीमद् भगवत गीता को करीब 40,000 रुपए में खरीदा। इस मुद्दे को लेकर इनेलो सांसद ने प्रदेश के मुखिया से जवाब मांगा है और अगर सरकार जवाब नहीं देती तो इनेलो इस मुद्दे को कैग के पास लेकर जाएगी। साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रदेश सरकार को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम दिया। राज कुछ ग्रंथ को अगर हम 10 ग्रंथ इनने खरीदे थे तो 4,50,000 रुपए के खरीदेंगे। तो मेरे मुख्यमंत्री से यही सवाल है कि क्या सरकार इसकी इंक्वायरी कराएगी और ये बताने का काम करेगी कि क्या उन 10 ग्रंथों में ऐसा खास था जो आज इंटरनेशनल बुक फेस्ट के अंदर जो गोरखपुर का गीता ट्रस्ट अपनी गीता बांट रहा है उसकी कीमत से हजारों गुना ज्यादा थी। आज 40 पैसे के अंदर प्रगति मैदान में गीता मिलती है। आज ऑनलाइन अगर हम बात करें तो घर तक डिलीवरी के लिए जो गीता की वैल्यू है वो 182 रुपए है। ये सरकार थोड़ा ही है, ये तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। सारे घोटाला इस वजह सरकार ने कुछ किया ही नहीं, दांगी खरी से लेकर और ये जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। इनेलो ने हाल ही में हुए गीता महोत्सव पर सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है, जिस पर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया। मनोहर लाल खट्टर ने साफ शब्दों में कहा कि हम जो खर्च करते हैं सोच समझ कर करते हैं, वो तो 10 जन्मों तक भी ऐसे कार्य करने के लिए सोच नहीं सकते हैं। सीएम ने साफ किया कि जो उन्होंने किया डंके की चोट पर किया है और प्रदेश की भाजपा सरकार ऐसे कार्य आगे भी करती रहेगी। आपको बता दें कि गीता महोत्सव की तर्ज पर हरियाणा में 18 जनवरी से 22 जनवरी तक सरस्वती महोत्सव भी मनाया जाएगा। लोगों को ठीक दिशा में लाने के लिए आखिर ये कार्यक्रमों की उपयोगिता होती हमने किया है और डंके की चोट पे किया है, आगे भी करेंगे। गीता महोत्सव को लेकर हरियाणा की भाजपा सरकार पहले भी सवालों के घेरे में रही है। इससे पहले भी विपक्षी पार्टियां खट्टर सरकार पर श्रीमद् भगवत गीता के नाम पर घोटाले करने का आरोप लगाती रही हैं।
हरियाणा की आप पार्टी ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से ज्ञानानंद सागर को दी गई 9 एकड़ जमीन पर सवाल खड़े किए थे। आप पार्टी का कहना था कि ज्ञानानंद सागर को किस रिश्ते के चलते 9 एकड़ कौड़ी के भाव में दे दी गई। आप पार्टी ने इसकी सीबीआई जांच की मांग भी की थी। फिलहाल प्रदेश की खट्टर सरकार गीता महोत्सव पर घिरती दिख रही है। देखना होगा कि विपक्षी पार्टियों के सवालों के तीर के सामने खट्टर सरकार किस तरह बचाव करती है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी के दामन में लगे ये दाग कैसे धुलते हैं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो पिछली हुड्डा सरकार पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि खजाना खाली कर दिया गया, श्वेत पत्र बकायदा जारी किया जाता है, उसके बाद सीएम इस तरह के महोत्सव को लेकर, इस तरह के जो आयोजन करवाए जाते हैं उसको लेकर कहते हैं कि डंके की चोट पर खर्च कर रहे हैं, आगे भी खर्च करते रहेंगे। तो क्या ये फिजूल खर्ची है? अगर फिजूल खर्ची नहीं है तो जनता का लाभ क्या छिपा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ, वीरेंद्र चौहान हैं बीजेपी प्रवक्ता, आप हैं, रंजिता मेहता हैं हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगी चर्चा में, रविन्द्र ढुल हैं हमारे साथ इनेलू प्रवक्ता हैं स्टूडियो में, साथ ही राजेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। चौहान साहब, शुरुआत आपसे ही कर लेंगे, फिजूल खर्ची के आरोप लगे हैं सरकार पर विपक्ष की ओर से। देखिए, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है कि गीता, गंगा, सरस्वती, आयुर्वेद, योग, जो भारत की प्राचीन विरासत है, भारत की संपदा है, जिसकी जानकारी ज्ञान वो जन जन तक जाना चाहिए और जन जन तक जाने से जन सामान्य का लाभ है, उस पर होने वाले खर्च को कुछ नासमझ किस्म के लोग राजनीतिक कारणों से फिजूल खर्ची कह रहे हैं। उनको गीता से परेशानी हो सकती है, उनको गंगा सरस्वती से परेशानी हो सकती है, हरियाणा के आम नागरिक को, आम हरियाणवी को उनसे कतई, सुन लीजिए एक बार, मुझे पूरा कहने दीजिए, देखिए मुझे कहने दीजिए, खर्च सामने आया, उससे आपत्ति है विपक्ष को? नहीं नहीं, किसी, मैं वही बात कह रहा था, आपने मुझे पूरा नहीं करने दिया। कुछ लोगों को राजनीतिक कारणों से आपत्ति हो सकती है, कुछ लोगों को, इस देश में लंबे समय तक ऐसे लोग सत्ता प्रतिष्ठान पे काबिज रहे हैं जिनको गीता का नाम लेते ही उनके नाक मुंह सिकुड़ने लगती थी, गंगा सरस्वती का जिक्र करते जिनकी परेशानी बढ़ जाती थी। हाँ। ज्यादा परेशानी इस तरह के तत्वों को है। गीता जयंती के महोत्सव को विश्वभर वैश्विक स्तर पर मनाने का अगर भव्य आयोजन हुआ है तो उसको फिजूल खर्ची नहीं कहा जा सकता, और अगर उसका खर्च बढ़ा है, ठीक है, आपको आयोजन का आकार बढ़ा है तो उस पर आने वाले खर्च को फिजूल खर्ची कैसे कह दिया? ठीक है, मैं तो उनसे पूछता हूं। चलिए ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं, ग्राफिक्स हम दिखाएंगे, एक बार के लिए रोकूंगे, चर्चा फिर से करेंगे। लेकिन हुड्डा सरकार जो रही, पिछली सरकार 9 साल के दौरान हुड्डा सरकार की ओर से गीता महोत्सव को लेकर कितना खर्च किया गया, ये आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो साल 2016 में 12 करोड़ रुपए बजट रखा गया इस महोत्सव के लिए सरकार की ओर से। तो 2006 के हमने आंकड़े आपको दिखाए कि 2006 से लेकर 2014 तक कितना खर्च किया गया। 2008 में 21,63,000 रुपए का बजट रखा गया। 2009 की बात कर ले, 31,75,000 रुपए खर्च किए गए इस आयोजन को लेकर। 2010 में 40,78,000 रुपए खर्च किए गए, साथ ही 2011 में 65,01,000 रुपए का खर्च आया इस तरह के आयोजन को लेकर। पिछली सरकार की क्या प्राथमिकता रही है, सरकार की क्या प्राथमिकता है, कितना खर्च किया जा रहा है, इन आंकड़ों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2012 में करीब 51,00,000 रुपए खर्च किए गए। तो आंकड़े आपने देखे कि हुड्डा सरकार के दौरान कितना खर्च किया गया था, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। इनेलो का पक्ष जान लेते हैं, क्योंकि इनेलो की ओर से भी आरोप है कि फिजूल खर्ची की गई। ढोल साहब, अभी चौहान साहब को आपने चर्चा में सुना कि राजनीतिक कारण हो सकते हैं, अगर किसी को आपत्ति है इस तरह के आयोजन से, इस तरह के खर्च से। बड़ा मजाक है ज्योति, ये मैं सुबह से सुन रहा हूँ इनका लगातार रिपीट टेलीकास्ट, सभी प्रवक्ता यही टेलीकास्ट कर रहे हैं। इनको लगता है कि हमें धर्म से आपत्ति है, इन्हें लगता है हमें गीता से आपत्ति है, इन्हें हर एक चीज़ से आपत्ति है। इनको ये बिल्कुल भी जो प्रमुख चीज़ है उस प्रमुख चीज़ के ऊपर कतई भी उत्तर नहीं देंगे।
ये इस बात की बात नहीं करेंगे कि जिस प्रकार अध्याय 7 के अंदर गीता के अंदर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 7 में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ, तो 40 पैसे में जो गीता मिलती है उसमें भी कृष्ण है, और जो 38,000 में जो गीता मिलती है उसमें भी, एक मिनट सर आप बात में खड़ा कीजिएगा, जो 38,000 में गीता मिलती है उसके अंदर भी कृष्ण है। अब उन कृष्ण का जो संदेश है वो संदेश भी वही है जो पिछले अनादिकाल से, पिछले 10,000 साल से जो क्लेम किया जाता है वो उसके हिसाब से, और अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो 3,000 या 4,000 साल पुराना, तब से ये चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही ना तो गीता समाप्त हुई ना ही गीता के संदेश समाप्त हुए। हम पढ़ते हैं, 5 साल की उम्र से मैं पढ़ रहा हूँ, गीता का कोई भी ऐसा अध्याय नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा। तो अभी ये इनका ये कहना कि कुछ लोग इससे नाक बोस सिकोड़ते हैं तो बड़ी आपत्तिजनक और निंदनीय, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन बात आती है राजनीति की, इन्होंने कहा कि इन्होंने गीता को जन जन तक पहुंचा दिया, 38,000 रुपये की कोस्ट की 10 प्रतियां इन्होंने खरीदी गीता की और इन्होंने उसको बांटा 10 लोगों में। अब ये बताएं कि हरियाणा के जो जितनी करोड़ जनता है उसमें से 10 लोगों को 38,000 रुपए की प्रतियां दे करके इन्होंने कौन सा जन जन तक इसका प्रचार किया? एक मिनट प्लीज। इन्होंने बात करी डंके की चोट पे, खट्टर साहब ने कहा यदि डंके की चोट पर मनोज तिवारी जी को 10 लाख रुपए का एडवांस दे करके वहाँ पे प्रोग्राम कराएंगे, भाजपा के सांसद हेमा मालिनी जी को 20 लाख रुपए दे करके प्रोग्राम कराएंगे डंके की चोट पर, 27,000 रुपए के आप वहाँ पर फूल लेकर के जाएंगे डंके की चोट पर, 5 करोड़ रुपए का टेम्परेरी पंडाल बनाएंगे डंके की चोट पर। हाँ। और अभी ये जैसे आपने बताया कि वो नो एकड़ वाला जो जियो गीता वाला मामला, एक मिनट जवान साहब प्लीज, बहुत कह लिया आपने, मुझे जवाब तो देने दीजिए। नहीं कहा सर, प्लीज नहीं कहा, आप फिर बोल लीजिएगा, जवाब तो सुन लीजिए, मेरी आरटीआई मैंने कंक्लूड नहीं की है। चलिए ठीक है, रोशन खुराना साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, नेलो सांसद फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका चर्चा में। साथ ही क्या कुछ आरोप आप लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं, क्या आरटीआई से खुलासा हुआ है गीता महोत्सव को लेकर, आपकी जुबानी जानेंगे। देखिए, जहां आरटीआई का जवाब कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से आया है, उसने एक चीज तो साफ कर दी कि सरकार ने जो फंड थे उनकी मिस यूटिलाइजेशन करी जी। जो गीता दी गई आज उसका रेट चाल लगभग 37,950 रुपए आरटीआई बताती है एक गीता का है, जबकि 10 गीता 4.25 लाख की परचेज करी गई। उसी गीता को आज गोरखपुर का जो गीता ट्रस्ट है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंटिंग गीता की करता है, वो 150 रुपए की प्रिंट कर बेचता है। और पिछले दिनों जो दिल्ली के अंदर बुक फेस्टिवल हुआ था, वहां पर 40 पैसे की एक गीता दी गई थी। एक वहां प्लान था कि आप 20 रुपए में 51 गीता लेकर अपने घर जाइए। तो आप खुद बताइए कि सरकार ने क्या सोना जड़कर गीता को में दिया, या सरकार ने केवल मात्र आस्था दिखाई लोगों के सामने कि भी हमने गीता के लिए देखो कितना बड़ा एक फेस्टिवल कर दिया, और उसके आड़ में कहीं ना कहीं अपने काम का, अपने जेबों को भरने का काम किया। मोदी जी हमेशा कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। हाँ। इस आरटीआई से ये पता चल गया कि इन लोगों ने खाया भी है और खिलाया भी है। बीजेपी के 2 सांसद वहां परफॉर्म करने आए और उन सांसदों को 30 लाख रुपया इस आरटीआई के जवाब में हमें पता चला कि सरकार ने अपने एक्सचेकर फंड से देने का काम किया है। तो आप खुद बताइए किस तरीके से आज प्रदेश के लोगों को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चौटाला साहब, सीएम को आपने सुना होगा, उनकी ओर से साफ किया गया कि जन सरोकार के लिए खर्च किया जा रहा है, आगे भी डंके की चोट पर खर्च करते रहेंगे। जन सरोकार क्या था मुझे ये तो बताए चीफ मिनिस्टर जी, कि आज जहाँ 40,000 रुपए में 40 पैसे वाली चीज को आप खरीदते हैं, क्या वो जन सरोकार है जी? क्या आपके 2 सांसद आकर स्टेज पर डांस करते हैं और उनको आप 30 लाख रुपए देते हो, क्या वो जन सरोकार है? क्या खुद अपने गले में एक जो गार्लैंड टू चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, क्या आप 22,000 की एक माला पहनते हो, क्या वो जनसरोकार है? आप लोगों के बीच में, आप गीता ट्रस्ट से 150 रुपए की गीता लेते और लोगों को गीता बांटने का काम करते, इनने तो खुद को फायदा पहुंचाने का काम किया, ना कि आम जनता तक गीता का उपदेश पहुंचाने का काम। जी चौटाला साहब, थोड़ी देर के लिए आप बने रहिएगा चर्चा में, वीरेंद्र चौहान है हमारे साथ बीजेपी की ओर से, छोटा सा जवाब आपकी तरफ। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं इसलिए जवाब इतना छोटा नहीं हो सकता। जब कोई ये कहता है कि गीता 40 पैसे की या 4 पैसे की भी आ सकती है, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भगवद गीता की एक प्रति निश्चित रूप से इतनी सस्ती भी आ सकती है। लेकिन सुनिए तो सही,
अगर अगर वही प्रति 40 पैसे वाली खरीदनी होती या खरीदी जाती तो उतने की ही आती। हाँ। जो गीता की प्रतिलिपियां वहां विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह के रूप में देने के लिए खरीदी गई, अगर उनका बाजार में मूल्य, हाँ, उनकी उनकी उनका दाम, उनके उनको प्रोड्यूस करने पर आया खर्च 4 पैसे है या 40 पैसे है या 10 रुपए है तो उतने में ही आनी चाहिए, तब तो घोटाला है। ये जो प्रतियां स्मृति चिन्ह के रूप में दी गई, ये विशिष्ट सामग्री से तैयार की गई भगवत गीता की प्रतियां थी। ये अंतर कुछ ऐसा है। ज्योति जी, एक मिनट मुझे कहने दीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे एक बार इस बात को पूरा करने दीजिए। एक साइकिल पर भी चला जा सकता है, और इनेलो के सांसद कई करोड़ की गाड़ी में भी चलते हैं, तो हरियाणा की जनता का क्या, मुझे आप देने देंगे तो मैं बताऊंगा। हरियाणा की जनता का इस 35,000 रुपए की या 37,000 रुपए की गीता 10 प्रतियां खरीद ली गई, उसमें हरियाणा की जनता का शायद बहुत सारे लोगों का भला न हुआ हो, हाँ। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करके जो ये भव्य उत्सव हुआ, जिसमें 28-30 लाख लोगों ने प्रतिभागिता की, उससे हरियाणा की जनता का लाभ हुआ है। कुछ लोग इन स्मृति चिन्हों को लेकर के केवल तमाशा करना चाहते हैं, इसका अर्थ उनकी उनका एजेंडा कुछ और है, उनका एजेंडा कुछ और है, मूल प्रश्न पर नहीं है। क्या इंडियन नेशनल लोकदल के सब नेता हरियाणा की जनता के हित में पैदल चलना कल से शुरू कर देंगे क्या? क्योंकि चलना तो साइकिल पर भी चलना होता है। मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे प्रश्न का ये उत्तर दे देंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर ये दे देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं पैदल जाऊंगा इनके साथ। आप जाइए, आप उत्तर दीजिएगा, तो दे दूंगा। पहले रंजीता जी को आप शामिल कीजिए, उसके बाद मैं प्रश्न पूछूंगा। जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं उनको बकायदा ट्रेन किया जाता है कि जोर से बोलिए, ऊंची बोलिए और अपनी बात बनवाने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए कि गीता के नाम पर प्रदेश में लूट मचाने का लाइसेंस किसने इनको दिया है? अभी ये कह रही हैं कि ये स्पेशल मटेरियल से तैयार की गई थी, हाँ। क्या वो स्पेशल मटेरियल हरियाणा में तैयार नहीं हो सकता था? सहारनपुर के एक स्टेशनरी से ये खरीदी गई है, तन्वी एंटरप्राइजेस, जिनको इन्होंने ये पैसा का फायदा किया है। क्या हरियाणा में कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसकी प्रिंटिंग प्रेस में ये गीताएं छप सकती? नंबर टू, ये भी ये कह रहे हैं कि हमने स्मृति चिन्ह के नाम पर ये दिए हैं 10 लोगों को, और इन्होंने मोमेंटोस के लिए 3 लाख रुपए अलग से उसमें खर्चा दिखाया हुआ है, वो कहां तक सही है ये बता दीजिए। ठीक है, आप खर्च कितना सही है? मैं उत्तर दे देता हूं, आपसे हर बार उत्तर नहीं ले सकेंगे, लेकिन आरोप हर बार लगाएंगे और ढेर सारे लगाएंगे, वही रिपीट करेंगे, एक ही पार्टी के 2-2 प्रतिनिधि बोलेंगे, तो उत्तर तो मुझे भी देना पड़ेगा ना। मोमेंटो अगर 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 10-22 कई दिन का ये चिल्लाता कौन है? चिल्ला कौन रहा है? झूठ बोलने के झूठ कौन बोल रहा है? मत अब ये बताइए, ये चिल्ला कौन रहा है? चिल्ला कौन रहा है? इस तरह की खर्च से, इस तरह के आयोजन से, देखिए कला संस्कृति तो सरकार का विषय है वैसे, और कला संस्कृति तो ठीक है, जो आयोजन हुआ है वो तो ठीक है, पहले से भी पिछली सरकार ने भी इस तरह के आयोजन की, हाँ। लेकिन ये जरूर देखा जाना चाहिए कि खर्च का जस्टिफिकेशन कोई तर्कसंगत खर्च हो। तो ये जो गीता को लेकर बताया जा रहा है कि 4 लाख की गीता की प्रति आगे, तो ये थोड़ा चौंकाने वाली बात तो है, हाँ। इसमें देखा जाना चाहिए, और सरकार को इस तरह से लापरवाही भरा जवाब देने की बजाय उसको उसके तर्क अपना तर्कसंगत जवाब देना चाहिए कि वो 4 लाख की प्रतियां कैसे क्यों खरीदी गई, उनमें ऐसी क्या विशेषता थी, क्या वो गोल्डन प्लेटेड थी, क्या गोल्डन प्रिंटेड थी, क्या था उसमें जो विशेषता थी उसको सामने लोगों के सामने रखना चाहिए। आपको एक जनादेश दिया गया है कि जनता ने आपको शासन चलाने की जिम्मेदारी दी है और जनता के प्रति आपकी पूरी जवाबदेही है। विपक्ष को आप चाहे छोड़िए, लेकिन अगर विपक्ष भी कहीं अपनी भूमिका निभा रहा है जनता के प्रति, तो आपको उस सवाल का जवाब देना ही होगा। तो 4 लाख का जो खर्च है उसका जस्टिफिकेशन तो होना ही चाहिए। 2008 से लेकर अब तक जितने भी बार आपने अभी बजट दिखाया है कि हमने भी खर्च किया, ठीक है, पर खर्च एक हिसाब से एक तरतीब से होता है। लूट मचाने का लाइसेंस किसने दिया? फर्क मुझे भी फर्क इतना ही है, फर्क इतना ही है। मेरा चैलेंज गीता खरीदी जाती है हरियाणा की जनता के लिए, मेरा मैं थैलों के नाम पर, थैले जो जूट के थैले हैं उसके लिए जी। देखिए ज्योति, मेरा चैलेंज अभी रहता है, मैंने आपको बताया था ना, जो दूसरा घोटाला है जियो गीता संस्थान का,
मैं आपको बता दूं 1990 के अंदर एक लैंड एक्वायर होती है 74 एकड़ हरियाणा सरकार के द्वारा, और उसका जो प्राइस दिया जाता है 50 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से। अब आप इस बात को देखिए, 2006 के अंदर मेला ग्राउंड की लैंड एक्विजिशन को जो है मेला ग्राउंड की अलॉटमेंट को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड खुद बाकायदा गवर्नर की प्रेजेंस में रोक लगाता है उसके ऊपर। 2013 और 14 में 38 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इस्कॉन और अक्षरधाम को जो है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जमीन देता है। अब आप कमाल देखिए कि बिना किसी जस्टिफिकेशन के अपने पुराने किए गए फैसले को तोड़ करके और गैर कानूनी तरीके से मेला ग्राउंड की जमीन को जो है इन्होंने इस्तेमाल के लिए दिया है जियो गीता संस्थान को 5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, जो उसका उत्तर वो पूरा करना है मुझे थोड़ा जल्दी जी, मुझे उसको मुझे पूरा करना है। आपको बड़ा गजब बताता हूँ, इसको ये उत्तर दे दें, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की तात्कालीन ADC सुमेधा कटारिया जो कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की CEO थी, वो जियो गीता संस्थान की फाउंडिंग मेंबर है, उन्होंने अपने ही संस्थान को 5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से 9 एकड़ जमीन दी है। इस चीज को जस्टिफाई करके दिखा दें ये वीरेंद्र चौहान जी, मैं उसका उत्तरदायी हूँ। 600 रुपए के हिसाब से जो छोटी गीताएं बांटी गई हैं सरकार के द्वारा, वो 600 रुपए गीता जो प्रिंटिंग हुई है वो भी ये जो है वर्तमान DC कुरुक्षेत्रा उसके ट्रस्ट की बनाई हुई है। इसका जवाब दे दे वीरेंद्र चौहान जी, कौन सा जन सरोकार किया? तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इसका उत्तर दीजिएगा, सीधा उत्तर दीजिए, सीधा ही दे रहा हूँ। मूल मसला सिर्फ घोटाला है या नहीं, कहीं कोई घोटाला नहीं। सुन लीजिए ढोल साहब, अब अगर आप ही निर्णय करने वाले, आरोप भी आप ही लगाएंगे और फिर मेरा उत्तर भी नहीं सुनेंगे, और उससे पहले उत्तर ये है कि जितने भी आरोप आपने लगाए हैं, आपके आपके सांसद ने लगाए हैं, उन सारे आरोपों में कतई कहीं कोई आधार नहीं है। सुन लीजिए, अरे भाई आपकी बारी में बोला था क्या? आपकी बारी, फिर एक मिनट ज्योति जी, मेरी बारी में इनको बोलने क्यों दे रही हैं आप? कुछ नहीं दिख रहा, मैं फिर मुझे आप इनको पूरी कीजिए, मैं इनकी बारी में बोलूंगा। हर बार बोलते हैं ये, हर बार बोलते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके मेरी बारी में कीजिएगा, और साथ ही चर्चा को हम जारी रखेंगे, इन्हीं सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये सरकार थोड़ी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, सारे घोटाला जो है सरकार ने कुछ किया ही नहीं। सरकार ने जिस तरीके से 40,000 रुपए लिए, ये तो देश के लिए स्पष्ट तौर पर